देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ही साइड बता रहा हूँ आपको, उसी किसका बता दो, उसी बता दो। क्या नाम है उसका? नहीं यार, ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ हेलो। कर सकते हैं ऐसा कोई इशू नहीं, कर सकते हैं आप। इंस्टॉलमेंट बना देगा 5,000 के साथ से इंस्टॉलमेंट दे देगी, ठीक है? हाँ, जैसे ये 5 मंथ का है तो 5,000 के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ठीक है? प्लस क्लास में क्या किया था? मैं वही कहता था, वो एनिमेशन लगाई थी ये वाली ये ऐसे। नाम क्या है फोल्डर का? हेडर। ये तुम्हारे बहुत चलो, तो इसके अंदर हमारी फाइल जो थी वो थी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। रन करते हैं, ये ऐसा आ रहा है। हाँ फॉन्ट चेंज करना नहीं आया था, फॉन्ट चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज करना आया था फॉन्ट? मतलब जस्ट फॉन्ट फैमिली है। मैं चाह रहा हूँ जब इस पे कोई क्लिक करे ना तो ना नीचे वाला सेक्शन ओपन होकर आ जाए, ठीक है? क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इन सबको मैं बंद कर लेता हूँ, नीचे लास्ट में जाता हूँ और मेन के बाद एक दूसरा सेक्शन ले लेता है डॉट अबाउट, पर अबाउट की सीएसएस दे देते हैं। और यहाँ लिखा मैंने फुल स्टॉप अबाउट विथ 100% हाइट 100 VH, बैक वी एच मतलब वर्टिकल हाइट, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है? रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये हमारा इतना साइज आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जुनेद टेपर कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए, एक नंबर तो दिया था मैंने, एक आई थी मेरे पर क्या रिज्यूम भी भेजा। क्या अबाउट अस सर, VH कब देते हैं? VH वर्टिकल हाइट के लिए, अगर वर्टिकल हाइट चाहिए तो मैं 100% हाइट चाहिए, हाइट परसेंटेज में चाहिए तो वर्टिकल VH लिख सकते हैं, ठीक है? अबाउट अस आ गया ये रहा। और अब इसमें मैं लिखता हूँ टेस्ट एनालाइज सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। फिर तो इसके बाद मैं स्पेसिंग देता हूँ उसमें, एडिंग 40 pixels 0, तो ये स्पेसिंग आ गई। यहाँ कुछ कंटेंट डाल देते हैं, तो यहाँ हमने पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल दिया, ये कंटेंट डाल दिया इस तरीके से, और ये कंटेंट आ गया हमारे पास, ठीक है? लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग देते हैं 40 pixel और 100 pixel। हाँ जी मैंने दिया ना, तो ये स्पेसिंग आ गई हमारे पास। मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये क्लिक करने पे ये नीचे ओपन हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जाना है, H1 की ID लगा देनी है, ID अबाउट लिख दिया इस ID में, और ऊपर जाना है और यहाँ पे जो मेन्यू बार था हमारा,
वहाँ पे लिख देना तुम्हें कहाँ पे मेन्यू बार ये रहा, किस पे ओपन करवाना है मुझे। अबाउट अस तो कुछ शायद है ही नहीं, होम लिख रहा आपने होम सेकंड लिखा दूसरा वाला होम ये रहा। सेकंड तो वाला आपने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे लिख देना है अबाउट। सर सेकंड वाला था नहीं, नहीं ये सही पे शॉप, ये देखो हमारा शॉप वाला है ये था, ये था ये वाला ये है ना सेकंड वाला है वाला लिख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ यही है अबाउट, यहाँ लिख देते अबाउट और यहाँ पे मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसी के आगे स्पेस नहीं देना, ऐसे लिख देना तो ये आ गया। ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो गया, ये ओपन होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये ओपन होता आ रहा है। जब मैं कह रहा हूँ होम पे कोई क्लिक करे तो ये यहाँ क्लिक करे होम पे तो उस पर पहुँच जाए वापस। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे ऊपर एक डिफॉल्ट स्पैन करके या इसी की टॉप बार की आईडी लगा दी यहीं पर। ठीक है, टॉप लिख दिया इस पर, तो जब कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो टॉप पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लिक करवा रहा हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने हैशटैग टॉप, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक किया ये देखो टॉप खुल गया, इस पे क्लिक किया तो अबाउट खुल गया, इस पे क्लिक किया टॉप खुल गया। ठीक है, तो वन पेज से लिंक हो गया आपस में। ठीक है, ऐसे कितने भी सेक्शन का बना के लिंक कर सकते हो आप। ठीक है, और ये आपके में ना इस तरीके से नहीं आएगा, तो मैं ना क्या करना है, ये चीज लिखनी है, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, अबाउट पे क्लिक करने के बाद। हाँ ठीक है, ये देखो ऐसे पहुंच रहे हैं। तो आप ये लगा दोगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, ये स्टार टैग में लगा लें तो ये हमारा इस तरीके से लेकर चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। बिहेवियर स्मूथ कहाँ लगाना है, ये लगाना है यहाँ पे स्टार लगाते हैं ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर आइकनदार की। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, तो क्लियर है चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम ऐसे सेट कर सकते हैं, तो सर हम उससे भी लगा सकते हैं ना, जैसे हम आइकन दे देते हैं एक साइड में। हाँ कोई हम फिक्स करके, हाँ उसे भी लगा सकते हैं, उस पर आई डी देते हैं। समझ में आ गई चीज, अब और नाम बताया, थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ 240। ये आ गया, अब आउट पे क्लिक करा, ये हमारा ऐसे सेक्शन में हो तरीके से समझ में आ गया इसे। तो यहाँ होम पे क्लिक करने पर होम आ गया, अब आउट पे क्लिक करने पर होम आ गया, ऐसे सेट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ना पीछे ना एक ना वो हो पैरालेक्स इफेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ रुका हुआ इफेक्ट, क्या होता है स्टॉप, मतलब वो चीज मूव नहीं करेगी। मैंने इसका साइज ये रख लिया, इसके पीछे एक मैं इमेज लगा रहा हूँ, तो कोई एक इमेज ले लेते हैं। ये वाली मेल ले ली, इसका नाम दे दिया बीजी। ठीक है, और यहाँ पीछे बैकग्राउंड में मैं एक इमेज लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, इसमें बैकग्राउंड में कलर ना देके बैकग्राउंड में इमेज लगाई। क्या कैसे लगाते हैं, URL और bg.jpg। ठीक है, तो चेक करते हैं बैकग्राउंड में इमेज लगी, ये लग गई इमेज। और ये इमेज क्या हो रही है, मूव कर रही है, मैं चाह रहा हूँ ये मूव ना करे। तो इसके लिए हम लिख देंगे पैरालेक्स इफेक्ट। पैरालेक्स इफेक्ट लगाने के लिए ये लिखते हैं बैकग्राउंड की अटैचमेंट फिक्स, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगी। देखो देखो आ गया, कंटेंट मूव कर रहा, पीछे की इमेज क्या हो रही है हमारी, इस तरीके से फिक्स हो गई है। समझ में आया, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, शटर सा बोलना क्या, शटर सा बोलना,
देखो ये स्टिल आ रही है और फिर से कंटिन्यू ऐसे ओपन हो रहा है। अब मैं नीचे और एक सेक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम मैंने दे दिया अबाउट के बाद सर्विसेज। यहाँ CSSG फुल स्टॉप सर्विस विथ 100% हाइट, देखो ये आ रहा है, ये देखो क्या हो रहा है, ये हमारा ऐसे स्टिल हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे इमेज। ठीक है, समझ में आया ये चीज, तो इसे बोलते क्या है, पैरेलैक्स इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, तीसरे पे भी लगा के देखो, तीसरे पे मैंने तीसरी इमेज एक और इमेज लगा ली, कोई इमेज नहीं। तीसरे पे मैं वापस बैनर लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सर्विसेस, हाँ इसकी CSS, तो ये मन पे साइड बन जाएगी इससे। तो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे URL लिख के और क्या नाम है, banner.jpg, तो banner.jpg। अब चेक करते हैं, बैकग्राउंड की अटैचमेंट फिक्स है, बैकग्राउंड की अटैचमेंट फिक्स। तो अब हमारे पास नहीं आई है इसमें, इसका फॉर्मेट ना PNG होगा, JPG नहीं होगा, जैसे .web3 है, तो यहाँ .web3 कर देते हैं। अब ये देखो, ठीक है, हाँ समझ में, ये देखो मेरे पास फिर से आ रहा है, तो ये पूरे बैकग्राउंड में रख गया। हाँ तो पूरे बैकग्राउंड में लगाया ना मैंने, अब तो ये ऊपर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है ऊपर, ये वाला ये कहाँ जा रहा है, नहीं ऊपर कहाँ जा रही है, स्केल है ये देखा, स्केल है ना, ये भी स्केल है, वो कहाँ कर रही है, ये वो इमेज में इफेक्ट लगाने के लिए, वेबसाइट में इफेक्ट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। साइड सर्च करो पैरालेक्स इफेक्ट, काफ़ी सारी साइड मिल जाएगी। ये देखो, हाँ तो आप इस तरीके बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। वैसे अलग अलग इसमें भी कुछ लगा रखा हुआ है, इसकी असर देखते हैं, ये देखो पहले लगे फिर लगा रखा है, बाकी तो कंटेंट इमेज फिक्स हो रही है, बाकी कंटेंट चेंज हो रहा है। देखो ठीक है, ये आठ हो गया, इस तरीके से बना रखी है, तो क्लियर है ना पैरेलल इफेक्ट किस काम आएगा। और वन पेज साइड भी बता दी मैंने, वन पेज साइड कैसे बनानी है, एक अलग अलग सेक्शन लगाने हैं, एक ही पेज पे सारे होम अबाउट सर्विस इस तरीके से आ जाएगी।
आजकल ये भी वन पे साइड ही बहुत चलती है, क्योंकि इतना लोगों इतना बजट होता नहीं कि अलग अलग पेज की साइड बनवाए तो महंगी पड़ती है, तो इस तरीके की साइड बनवा देते हैं वन पेज की, जो यूज़र भी क्या होता है इससे कंफर्टेबल रहता है, तो सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेज पर मिल जाती है। कितनी होगी, किसने नहीं यूज कर रखा भाई, किसने कैसे यूज कर रखा है, कैसे यूज नहीं किया भाई, ये चीज है, ये देखो एक ही पेज पे खुल रही सारे पेज। हाँ ये देखो इसने इसने यूज किया हुआ है, ये देखो ठीक है, तो आप इस तरीके से उसे यूज कर सकते हो, ये देखो पेज खुल के आ रहा ना, ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हो उसको, ये पहले से फेट ऐसे बन जाएगा और वन पेज साइड का होता जाएगा, तो एक ही पेज पर लिंक लग जाएगा। बैकग्राउंड के साइज को कवर कैसे करते हैं ये भी देख लो, ठीक है, वैसे जब पैरेलल इफेक्ट लगा तो बैकग्राउंड का साइज कवर आता है, और अगर देखो मैं पैरेलल इफेक्ट हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया बैकग्राउंड के सेक्शन फिक्स से, तो ये देखो ये ऐसे बिगड़ गया, तो आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, ये लिख सकते हो बैकग्राउंड हाइफन साइज कवर, देखो कवर हो जाएगा, तो ठीक है तो कवर हो गया, तो मूव कर रहा है, तो हमने क्या लगा दिया बैकग्राउंड के अटैचमेंट, ठीक है दोनों चीज साथ भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड के अटैचमेंट ठीक, तो ये फिक्स हो गया है, तो जहाँ जहाँ हमारा ये मूव करेगा वहीं निकल जाएगा, तो ये काफ़ी जगह यूज़ करता, तो मैंने भी इस साइड में यूज़ किया हुआ है। तो देखो इसमें ये क्या है, ये देखो पीछे की इमेज जो है ना वो स्टिल है, ठीक है ये देखो ये स्टिल है ना, ये स्टिल है, तो पीछे का बैकग्राउंड है तो जिसमें पब्लिक खड़ी हुई है वो स्टिल है, ठीक है तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आगे तुमने तो इस तरीके से पैरेलल से प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये हो गया कि किस तरीके से लगाना है, और वन पे अभी है ना अभी वो स्मूथ प्लस लाने के लिए क्या लिखा गया, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ लिखेगा, तो तुम लोगों ने ना एक वन पे साइड भी डिजाइन करना, ठीक है, और जिसमें सेक्शन का साइज रहेगा ना उसकी हाइट रहेगी 768 पिक्सल, तो 5-6 अलग अलग सेक्शन ले लेना, रेफरेंस के लिए ना तुम थीम फॉरेस्ट पे जाना और यहाँ पे सर्च कर लेना वन पेज साइज, तो देखो ये जैसे ये पैरेलेक्स भी है और वन पेज भी है दोनों ही होते हैं, देखो ये भाई कैसे बना रखा है लाइट भी करते हैं, तो स्टार्टअप है और ये फूड डिलीवरी की है, फूड डिलीवरी की ओपन करते हैं, इंग्लिश में देखो इस पे जो डाउनलोड ऐप पे क्लिक किया डाउनलोड ऐप खुल गया, अबाउट पे क्लिक किया अबाउट खुल गया, ब्राउज पे क्लिक किया ब्राउज खुल गया, ठीक है,
तो पूरी वन डे की साइड ये पैरेलल की साइड पे है, ठीक है, ये वाले पैरेलल की साइड लगा रखा है, ठीक है, वन डे साइड डिजाइन करनी है, कैसे बनाना है। और ये माउस के साथ ये जो घूम रहा है ये जाना सीधी इस पर रखी है, ये तो सी एस एस से कर सकते हो, ये तो सी एस एस से हो जाएगी, जो ये प्लेट घूम रही है ये जो माउस के साथ घूम रहा है फिर से हो रहा है, ये भी मैंने तुम्हें बनाया है ना, तो इस तरीके का ही पेज डिजाइन करना है वन पेज साइट का, ब्राउज कोड डाउनलोड ब्राउजर और ये, ठीक है। अभी तक सी एस एस में कौन कौन से आपने करा दिए टॉपिक? क्या सी एस एस में टॉपिक तो मैंने सारे करा दिए, टॉपिक तो सारे हो गए हैं, ग्रेडिएंट भी करा दी तो मैंने ग्रेडिएंट कौन सा इसको का कलर चेंज कर सकते हो, इसको कलर चेंज जाता है देखो, मुझे लिखते हैं ना सी एस एस में स्क्रोल, ठीक है, तो यहाँ पे ना इसका बैकग्राउंड कलर और ये सब चेंज कर सकते हैं, स्क्रोल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, स्क्रोल का तो नहीं है, एक बार स्क्रोल के लिए भी होती है सी एस एस, इसे समझ में आ गया ना तुमको इतना।